हेलो भाई मवंगित, कल एक भाई का कमेंट आया कि छोटे मोटे गाड़ियों का सेल्स फिगर तो हर कोई बता देता है, लेकिन सुपर बाइक्स का सेल्स कोई नहीं बताता। जैसे हायाबुसा, निंजा जेडेक्स 10R, निंजा 1000R, अफ्रीका ट्वीन, ऐसी गाड़ियों का सेल्स फिगर कोई नहीं बताता। फिर मैंने भाई को रिप्लाई करा कि भाई मैं हर महीने ऐसी वीडियो बनाता हूँ, शायद आपने ना देखा हो। कंप्यूटर सेगमेंट की ले लो या फिर सुपर बाइक्स की, हर सेगमेंट की सेल्स फिगर बताता हूँ। खैर आज हम 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली सुपर बाइक्स के बारे में जानेंगे अप्रैल महीने की ही। तो आइए देख लेते हैं। 10th पोजिशन पे आइए कावासाकी निंजा 1000। इस गाड़ी के अप्रैल के महीने में मात्र 13 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इन गाड़ियों का उतना सेल्स फिगर नहीं हो पाता, जैसे स्प्लेंडर से आप कंपेयर करोगे तो भाई उतना नहीं बिक पाएगी। 10, 12, 15 ऐसी बिक पाती है हर महीने। इस गाड़ी में अपने को 1043 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको 140 bhp का पावर निकाल के देता है। क्या ही भागती होगी भाई गाड़ी। बाकी बात करें इस गाड़ी के प्राइजेज की, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 13,27,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। और अगली 9th नंबर पे आइए कावासाकी निंजा 650। इस गाड़ी की 14 यूनिट बिकी है अप्रैल के महीने में पूरे भारत भर में। इस गाड़ी में अपने को 649 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको मैक्सिमम 67.3 bhp का पावर निकाल के देता है। निंजा 650 के प्राइजेज की बात करें, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 7,76,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इस गाड़ी की कंपनी 30 kmpl तक माइलेज क्लेम करती है। बाकी 8th नंबर पे आइए ट्राइडेंट। इस गाड़ी के अप्रैल के महीने में मात्र 16 यूनिट बिक पाई है पूरे भारत भर में। इस गाड़ी में अपने को 660 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको मैक्सिमम 80 bhp का पावर निकाल के देता है। बाकी बात करें ट्राइडेंट के प्राइजेज की, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 8,53,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। और अगली 7th नंबर पे आइए कावासाकी उल्केन। ये क्रूजर गाड़ी है, इसके अप्रैल के महीने में मात्र 16 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत भर में। इस गाड़ी में अपने को 649 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको लगभग 60 bhp का पावर निकाल के देता है। बात करें प्राइजेज की, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से 7,76,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 6th नंबर पे आइए होंडा की अफ्रीका ट्विन। इसकी अप्रैल के महीने में 20 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। ये एक एडवेंचर गाड़ी है, इसमें अपने को 1082 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको लगभग 98 bhp का पावर निकाल के देता है। इन सब गाड़ियों को चलाने में भाई अलग ही मजा आता होगा। इन सब गाड़ियों के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है भाई, थोड़ा बड़ा गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। मैं धीरे धीरे नॉलेज ले रहा हूँ इन सब गाड़ियों का भी। बात करें अफ्रीका ट्विन के प्राइजेज की, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 17,89,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। देख लो कितनी एक्सपेंसिव गाड़ी है भाई, 20 यूनिट बिकी है कम थोड़ी ना है भाई, 17,89,000 रुपये प्राइस है भाई। उतने में अपने को एक कार मिल जाएगी अच्छी खासी। और वहीं 5th नंबर पे आइए टाइगर 650। ये भी एक एडवेंचर गाड़ी है, जिसकी अप्रैल के महीने में 27 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इस गाड़ी में अपने को 660 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो लगभग आपको 80 bhp का पावर निकाल के देता है। प्राइजेज की बात करें, तो टाइगर 650 आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 10,21,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। बाकी 5th नंबर पे आइए होंडा की CBR 650। ये एक रेसिंग गाड़ी है, इसकी अप्रैल के महीने में 33 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। एक यूनिट मतलब एक गाड़ी होता है। इंजन की बात करें, तो इसमें अपने को 648 सीसी का इंजन मिल जाता है, 648.72 सीसी का आता है, जो आपको मैक्सिमम 85.82 bhp का पावर निकाल के देता है, ऑलमोस्ट कह लो 86 bhp। बाकी प्राइजेज की बात करें, तो 10.5 लाख रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से। और वहीं 3rd नंबर पे आइए कावासाकी Z900। इसकी अप्रैल के महीने में 38 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इंजन की बात करें, तो इसमें अपने को 948 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको मैक्सिमम 123 bhp का पावर निकाल के देता है। खैर बात करें Z900 के प्राइजेज की, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 9,95,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, ऑलमोस्ट कह लो 10 लाख की गाड़ी है ये। और अगली 2nd नंबर पे आइए कावासाकी वर्सेस 650। ये एक एडवेंचर गाड़ी है, इसका लुक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। अप्रैल के महीने में इसकी 47 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इसकी इंजन की बात करें, तो इसमें 649 सीसी का इंजन आता है, जो आपको मैक्सिमम 65.71 bhp का पावर निकाल के देता है। प्राइजेज की बात करें, तो ये आपको दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से लगभग 8,06,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। और अगली 1st पोजीशन पे आइए रॉयल इनफील्ड की 650 ट्विन्स। इसमें अपने को दो मॉडल मिल जाते हैं, कॉन्टिनेंटल करके आता है, दूसरा इंटरसेप्टर करके आता है। दोनों की कंबाइन अप्रैल के महीने में लगभग 2159 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में। इन दोनों गाड़ियों में सेमी इंजन आता है 648 सीसी का। पावर की बात करें, तो 47 bhp का पावर निकाल के देता है इन दोनों गाड़ियों का इंजन अपने को। प्राइजेज की बात करें, तो वही आपको इंटरसेप्टर 2,88,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, और वही कॉन्टिनेंटल आपको 3,05,000 रुपये तक मिलना शुरू हो जाती है। बाकी बात करें माइलेज की, तो ये दोनों गाड़ियों की कंपनी 24 kmpl तक माइलेज क्लेम करती है, मगर रियल लाइफ में 20 से 22 तक दे देती है। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली सुपर बाइक्स के बारे में बता दिया अप्रैल महीने की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।